बंद करने के लिए, लेकिन अभी तक तो कीर्तन चालू है, ये तो बंद ही नहीं हो रहा है। उसने और एक सिपाही को भेजा, बोले तू देख रे का ये क्या हो रहा है, अभी तक भी ये कीर्तन बंद क्यों नहीं हो रहा है। उसने जा करके देखा ये मना क्या करेगा, ये भी उसको साथ में, ये भी कीर्तन में डूबा हुआ है। इसने भी जा करके प्रहलाद को कोशिश किया, भैया हिरण्यकश्यप का आदेश है, हमारे देश में हरि का नाम कोई ले नहीं सकता है। देखो ये सब के सब राक्षस है, जो लोग जिसने तुम्हें दुनिया दिया, जिसका संसार है। श्री सूरदास कहते ना, जिने तनु देही ताही बिसराई कैसे नमक हरामी मौसम को न कुटिल खलकानी। जिसने तुम्हें सब कुछ दिया दुनिया संसार, तो उसको ही भूल कर बैठ गया, और तुमको दूसरे कुछ दिया ही नहीं ना, उसको पीछे लग गए। जो धोखे देगा जीवन में उसको पीछे लग गए, लेकिन जिसने जीवन सब कुछ दिया उसको ही भूल करके बैठ गए। हाँ, जो भगवान की कीर्तन भजन में मना करते हैं वही सब राक्षस है। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन मत भक्त भवेत सुर असुर तत् विपर्यय। राक्षस और देवता में पहचान किया है, बोले मेरे जो भक्ति करते हैं वो सब देवता है, और जो मेरे भक्ति में विरोध करते समझना वही राक्षस। ये रावण का दो सिंह नहीं था, विभीषण का सिंह था, नहीं। रावण को क्यों राक्षस मानी जाती है, इसलिए मानी जाती है वो भगवान की भक्ति का विरोध करता था। विभीषण को देवता क्यों मानी जाती है, बोले राम का भजन करता था इसलिए उनको देवता बोलते हैं। इसलिए बोले हिरण्यकश्यप ने मना की, हरि नाम नहीं कर सकते, चुप करो। प्रहलाद को जब मना करने के लिए गए, बस प्रहलाद का शरीर में हाथ स्पर्श होते ही इसकी अंदर में भी कृष्ण भक्ति की रस करंट इस अंदर में आ गया। बोले भैया हरि का नाम में तो राम बैठो। देखो मिश्री, बताओ मिश्री, आप लोग मिश्री खाए हो, कौन कौन मिश्री खाए हो, सारे सारे खाए हो। आप बताओ तो मिश्री कैसे लगता है, मीठा ना कड़वा है, मीठा। लेकिन ये मिश्री किस किस को कड़वा भी लगता है, आप बता सकते हो मिश्री किसको कड़वा लगता है, कौन वाले हाथ उठा। हाँ, जिसको पीलिया की बीमारी है, जिसको हाँ जिसको पीलिया, हाँ जिसको पीलिया की बीमारी हो गई ना, जंडी सी हो गई, देखना उसको जो कुछ उसको खिलाओ ना, मीठा भी उसको कड़वा लगेगा। लेकिन डॉक्टर क्या बोलते हैं, बोले देखो भैया मिश्री तो मीठा, लेकिन तेरे को मीठा नहीं लगेगा, क्योंकि तेरे को जंडी सी का बीमारी है ना, लेकिन मिश्री खाया करो, मिश्री चूसना, लेकिन पहले तो कड़वा लगेगा, लेकिन फेंकना नहीं, उसको चूसते 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 रहना, और चूसते 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 जब तुम्हारी बीमारी सही हो जाएगी ना भैया, तो मिश्री मीठा लगेगा, और जब मिश्री मीठा लगने लग जाए समझना तेरी बीमारी का। इसका मतलब क्या, बोले भगवान का नाम इससे मीठा दुनिया में कुछ नहीं, दुनिया में सबसे मीठा प्रभु का नाम है। लेकिन अभी हमें मीठा नहीं लगता, क्यों, हमें भव रोग की बीमारी, हमें भव रोग की पीलिया में जंडी से भी है, संसार की बीमारी है, हमारी बहुत पाप अनर्थ है हमारी, इसलिए प्रभु का नाम मीठा नहीं लगता। फिर क्या करनी चाहिए, भगवान के नाम को लेते रहो, ठाकुर का नाम को
लेते रहो, लेते 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 जब हमारे सारे पाप अनर्थ धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा ना, फिर तो भगवान नाम इतने मीठा लगेगा, फिर तो छूटेगा नहीं। इसलिए एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हमारे यहाँ के निगम पार्षद के श्री रजन ने ना, रजन पांडे प्रभु जी इधर आए हैं, किधर आ जाओ माता जी, इधर आ जाओ। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। किधर आ जाओ माता जी, किधर आ जाओ। ये हमारी बीजेपी है, बीजेपी की तरफ से यहाँ पर वोट में लड़ रही ना, है ना। देखो हमारे बीजेपी मतलब क्या है, हम लोग हिंदू है, हम लोग हिंदू है, इसलिए हमारी हिंदू धर्म में श्री मोदी को क्या भगवान कहते हैं ना, जटा जटाई धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। कृष्ण खुद कहते हैं जब जब जगत में अधर्म आता है तब तक जगत में मैं अवतीर्ण होकर के दुष्टों को विनाश करता हूँ, संतों में रक्षा करता हूँ। इसलिए हमारे जो बीजेपी क्या कर रहे हैं, ये संतों को रक्षा करने के लिए मानव भगवान इनके अंदर में भगवान की जो अवतार क्षेत्र का अवतार है, एक अवतार सत्यावेश अवतार। सत्यावेश मतलब भगवान कभी कभी किसी जीव में शक्ति को प्रदान करते हैं, कुछ शक्ति प्रदान करते हुए ये जगत में धर्म को रक्षा करते हैं। इसलिए हमारे माता जी बीजेपी पक्ष में लेकर के यहाँ पर खड़ी है। ठाकुर जी खूब इनको आशीर्वाद दे, खूब ठाकुर जी कृपा हो, है ठाकुर जी का आशीर्वाद हो, आपको फलते फूलते रहे और भक्तों की सब जनता की सेवा करते रहे, ठीक है। हर एक के लिए ताली बजाओ। जय गिरिराज महाराज की। जो कुछ मांगना गिरिराज से मांगना, ठीक है, गिरिराज सब झोली भर देते हैं। और बढ़िया से फटो ले। देखो जो ये ना, ये संपूर्ण पृथ्वी में जा रहे हैं, इसकी पूरा कथा सारा दुनिया में जा रहे हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। बोले हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम hare 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 krishna hare krishna 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 hare 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 ram hare ram ram hare hare krishna 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 hare 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 ram hare ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna
इतने में भैया इसको तो जल्दी खत्म करनी चाहिए। हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया और बड़ी जोर से डांट लगा, अरे प्रह्लाद विश्व ब्रह्मांड मेरे डर से कपमान हो रहा है और तू ऐसे एक टेढ़े हाँ जैसे कुत्ते का पूंछ को भले ही इतने घी लगाओ उसको सीधा नहीं कर सकते हो, ऐसे ही तू ये चंदन भर में तू कांटा के वृक्ष कहां से जन्म ले लिया बताओ, किसकी है किसकी साहस में बल में तू इतने बलियान हो। बोले पिताजी यही तो बात है, जिसकी बलिवार में मैं नहीं आप, ये विश्व ब्रह्मांड जिसकी बल में बलियान है, वो अगर शरीर से निकल जाए ना फिर तो एक घंटा के लिए भी तुम्हें घर में नहीं रखेंगे, ये घर से तुम्हें निकाल देंगे। ये विश्व ब्रह्मांड जिसकी बल में बलियान है, आप भी मैं भी ये दुनिया, बोले और कौन मेरे सिवाय, सारा दुनिया को मैं अपना अधीन बनाया, लेकिन तू एक ढीठ हो जो मेरे बात को मानना नहीं चाहते हो। माताएं बात मत करो, ए हरे कृष्णा। इसलिए जब क्रोधित तो हुए बोले पहले बताओ तेरे भगवान कहाँ है, बोले ये तो बताओ मेरे भगवान कहाँ नहीं तो बताओ, मेरे प्रभु तो कण कण में विद्यमान है। माताजी चंदन लगाने वाले चुपचाप बैठ जाओ, अरे तिलक लगाने वाले चुप बैठो, खुद खुद तिलक लगा, हरे कृष्ण। इसलिए बोले बताओ तेरे प्रभु कहाँ, बोले मेरे प्रभु तो सर्वत्र है, बोले खंभे में क्या है, बोले मेरे को तो दिख रहा है प्रभु खंभे में भी बैठे हैं, बोले तेरे प्रभु को दिखाता हूँ बाद में तेरे को दिखाऊंगा। एक मुष्टि का घात मारे मारे तो खंभा फट गया और भगवान स्वयं नरसिंह देव प्रकट हो गए। बोले श्री नरसिंह भगवान की जय, बोले नरसिंह भगवान की जय। क्या उनकी भयंकर विकटाल रूप था, हाँ उनकी केस खड़ा हुआ और उनकी भयंकर रूप में विश्व ब्रह्मांड थरथर थरथर कांप रहा था। ऐसे शंकर जी को लगा मानो ये संसार संहार हो गया, संसार नष्ट हो गया। शंकर जी सोचते हैं भैया संहार करने वाला तो मैं हूं, तो मैं तो संहार करने वाले, सबसे पहले मेरे को में आश्चर्य आएगा, लेकिन अभी तक तो मेरे को आश्चर्य आए नहीं, लगता है जैसे दुनिया में कहीं प्रलय आ गया है। इतने भयंकर उनकी रूप था, भैर तो हिरण्यकशिप भी साधारण नहीं, अभी दोनों में हिरण्यकशिप समझ गया भैया ये मेरे काल है। दोनों में घमासान लड़ाई हुई, लड़ते 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 जब ठीक शाम का समय हो गया, जैसे एक बिल्ली चूहे को पकड़ ले, ऐसे चूहे को जैसे पकड़ करके लाए और दहेली में बैठ करके जंगल के ऊपर रख लिए और उसको मारने जा रहे थे। हिरण्यकश्यप ने कहा प्रभु मेरे को मार नहीं सकते, बोले क्यों,
बोले मेरे पास में वरदान ब्रह्मा जी से, मैं मृत्यु को बंद करके रखा। बोले बता तेरे पास में क्या वरदान। बोले मेरे को कोई घर में नहीं मार सकता, कोई बाहर नहीं मार सकता। बोले भले आदमी आंख खोल कर देख तो कहां पर, घर में भी नहीं बाहर नहीं दहली में, बोले तब भी नहीं मार सकते। बोले क्यों, बोले वरदान ना ना। बोले बता एक एक करके। बोले स्वर्ग में भी नहीं, मैंने पाताल में भी, पृथ्वी पर नहीं, कहीं मेरे को नहीं, मैंने सारे बंद करके रखा। बोले अच्छे तरह से देख तो मेरे गोद के ऊपर में। बोले तब भी नहीं मार सकते। बोले क्यों, बोले मैं किसी अस्त्र में भी नहीं करूंगा, किसी शस्त्र में नहीं करूंगा। बोले अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं, मेरे नाखून को देख। बोले दिन में नहीं भरूंगा, रात में भी नहीं भरूंगा। बोले ऊपर देख, ये दिन ना रात है। बोले ये शाम का समय था। बोले किसी हाँ ब्रह्मा का किसी सृष्ट प्राणी को हाथ में नहीं भरूंगा। बोले मेरे को अच्छे तरह से आंख खोल कर देख, ब्रह्मा का मैं बाप हूँ, ब्रह्मा का बाप हूँ। बोले तब भी नहीं मार सकते। बोले क्यों, बोले वरदान है ना मेरे पास में। बोले बता क्या क्या वरदान। बोले किसी महीना में नहीं भरूंगा। बोले मारू कैसे। बोले याद कर ये कौन सा महीना, अधिक महीना, ये 12 महीना से ये अलग है अधिक महीना। जितने उसको ऊपर में वरदान था ना, भगवान सारे पानी भरा दिया है, सारे पानी भरा करके नाखून से उसको पेट को ठाकुर फाड़ दिए, फाड़ करके जितने नाड़ी भुरी सबके सब ठाकुर जी गले में पहन लिए। बोले क्यों, उसको पेट क्यों फाड़े। बोले इसलिए फाड़े, बोले भैया इसकी औरत से ही मेरा भक्त प्रह्लाद जन्म हुआ, इसकी औरत से, पेट से। अभी पेट फाड़ करके देखता हूँ, और अगर दो चार प्रह्लाद निकल जाए ना, फिर तो जगत का कल्याण हो जाएगा। इसलिए उन्होंने फाड़े, फाड़ करके सिंहासन में क्यों बैठे हिरण्यकशिपु का। बोले कारण है, जब आप किसी व्यक्ति को जीतोगे ना, क्या करोगे उसको सिंहासन को आप है, उसकी सिंहासन को आप दखल करोगे। और उसको ऊपर कौन बैठता था, बोले हिरण्यकशिपु बैठता था उसको ऊपर में। बोले वो तो दैत्य है, उधर राक्षस है। बोले नहीं, ये पूर्व जन्म में जय और विजय थे, ये वैकुंठ का द्वारपाल है, वैकुंठ का ये द्वारपाल थे, भगवान की भक्त है। जब बैठे इतने में इतने भयंकर उनके रूप थे, कोई भी फटकने के लिए सांस नहीं किया। इतने में शंकर जी आए ठाकुर जी को मनाने के लिए, लेकिन शंकर जी का बाहर कौन है, नंदी। और शेर का भोजन किया है जानवर। इतने में नंदी ने जो भगवान के विकटाल शेर का रूप देखा ना, वो तो पूंछ खड़े करके भाग गया वहां से, ये मेरे को खा नहीं जाए, शंकर जी भाग गए। इतने में ब्रह्मा जी को पास में गए, ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके बड़े डरते डरते हुए आए, और भगवान नरसिंह टेढ़े नजर से गए, तेने इसको वरदान दिया था और तेरे वजह से मेरे भक्तों को ऊपर इतने कष्ट हुआ, ऐसे टेढ़ी नजर से देख रहे थे। वहां ब्रह्मा भागे वहां से, खुशी का हिम्मत नहीं हुआ। इंद्र चंद्र भाई वरुण लास्ट में लक्ष्मी के पास में गए। बोले माता जी आप थोड़ी सी ठाकुर जी का मना लो। बोले भैया ठाकुर तो बड़े प्यारे हैं, शांतागारम भुजग शयनम, भगवान तो बड़े सुंदर है, बड़े प्यारे हैं। अरे प्रभु को गोद में तुम्हें रहती हूँ ना, चरण दबाती हूँ, इनको मनाना मेरे लिए कोई थोड़ी भरी बात है। माँ लक्ष्मी आरती की थाली लेकर के आई, जब आई नरसिंह देव से हाँ विकटाल शेर का जैसे गर्जन टेढ़ी नजर की, तो लक्ष्मी बोली मैं प्रभु का बहुत रूप देखा, लेकिन ऐसे भयंकर रूप नहीं देखा। आरती का थाला फेंकी और वहां से अभी कोई भी शांत नहीं कर पा रहे हैं। लास्ट में प्रहलाद के पास में गए, बोले प्रहलाद तेरे वजह से ठाकुर जी प्रकट होंगे, तू ही ठाकुर जी को शांत कर सकते हो। प्रहलाद ना कोई डर रहे नहीं, कोई डर रहे नहीं, एकदम निडर होकर के आए। जब आए ना ठाकुर जी की पूरा क्रोध में एकदम पानी फैल गया, ठाकुर जी एकदम ठंडा हो गए। प्रहलाद जी को गोद में बैठा है और ठाकुर जी चाटने लगे, जैसे माँ बच्चे को चाटती है ना शेर, ऐसे ही चाटने लग गए। भगवान बोले प्रहलाद मेरे वजह से तेरे को बड़े कष्ट उठाना पड़ा, मेरे अपराध को माफ कर दो, मेरे लिए तो तू इतने कष्ट उठाया ना, मेरे को आने में देर हो गई है, मेरे अपराध को माफ कर देना। बोले प्रहलाद मेरे ये भयंकर मूर्ति देख करके सारा दुनिया थरथर थरथर कांप रही, तेरे को डर नहीं लग रहा है। बोले प्रभु शेर दूसरे के लिए शेर,
बच्चे के लिए श्रेय नहीं, मेरे को तो आपका रूप बड़ा प्यारा लगता है, आप बहुत अच्छे लगते हो मेरे को है प्रभु, ये संसार का रूप देख करके मेरे डर लग रहा है, आपका रूप देख करके नहीं संसार का भयंकर रूप देख करके मैं डर रहा हूँ। भगवान बोले बेटा मेरे से डर मांगो, जो मांगोगे मैं सो दूंगा। बोले प्रभु जी किसकी चक्कर में मेरे को मत डाला करो, मैं थोड़ी बढ़िया हूँ, जो कि आपका भजन किया कुछ मांगने के लिए आपको मैंने भजन नहीं किया है, इसलिए प्रभु मेरे की चक्कर में मत डाला करो, मैं बढ़िया नहीं हूँ, अगर देना तो आपकी चरण की भक्ति, आपकी चरण की हमें सेवा प्रदान करो है। बोले ठीक है मिल जाएगा, और कुछ मांगो बेटा। बोले और देना चाहते हो? बोले हाँ बताओ क्या चाहिए। देखो अगर किसका बेटा भजन करे या शिक्षा देते हैं उसका दिल कितना बड़ा होता है, जिस जिन पिता ने जिंदगी भर उसको मारने के लिए कोशिश किया, जिंदगी भर उसको विरोध मारने के लिए कोशिश किया, जब ठाकुर पहले भर मांगो क्या मांगता है, बोले मेरे पिता को उद्धार कर, मेरे पिता बड़े दुष्ट बदमाश थे, मेरे पिताजी को नरक मत भेजा करो, मेरे पिताजी को उद्धार चरण में भक्ति दो। देखो और एक बच्चे को थोड़ा ज्यादा दे दिया, आप देखना जब तक जिंदा रहेगा ना जिस बच्चे को उसने कम संपत्ति दिया होगा जिंदगी भर उसको गाली निकलेगा, बोले ये डोकरा ने मेरे को कम संपत्ति दी है, डोकरा ने हमें कम दिया, उसको देखना जिंदगी भर उसको एक प्रभु जी माता जी को वही बैठ दे, उनको उनको कुर्सी में बैठो, तुम इधर लाने का क्या जरूरत है, पीछे से ले जाता ना सारी चीज, उधर माता जी को पकड़ कर बैठा दो। बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम भगवान बोले क्या भर मांगो, बोले मेरे पिताजी को उद्धार कर दो। भगवान कहते प्रहलाद तेरे जैसे भक्त जिस कुल में जन्म लिया एक क्यों, बोले त्रि सप्त भी पिता पुत, उसको तो 21 पीढ़ी उधार, 21 पीढ़ी उधार हो गए तुम्हारी, तेरे पिताजी का बात क्यों कहते हो। इसलिए हमारे चैतन्य भागवत में बताए अगर किसी वंश में एक भक्ति करने वाले बच्चा जन्म लिया, कहते त्रिकोटि कुलर है श्री वैकुंठ वास, 3 करोड़ पूर्वजों का उधार हो जाता है, और भक्त माल में बताए 108, बोले पिता की वंश में कितना गिनाया, माता की वंश में, फूफा की, चाचा की है, बुआ की, वहां पर हिसाब दिया है, बोले 108 उनका कुल उधार हो जाता है, और नृत्यते स्वर्गे पितरि पितरिता, उनको जो पूर्वज लोग स्वर्ग में हाथ उठा करके नाचना शुरू कर देते हैं, हमारे अहो भाग्य है हमारे कुल में भक्ति करने वाला बच्चा जन्म हुआ, अभी कोई चिंता नहीं, अभी हमारी उद्धार हो जाए। इसलिए क्या करनी चाहिए, हर माता का कर्तव्य है बच्चों को क्या बनाओ, भगवान की भक्त बनाओ, बोले हरिनाम करो, भजन करो, और गलत चीज में मत फंसा करो, गंदी चीज में मत जाओ, भगवान की भजन करोगे तुम्हारी उद्धार होगी। इतने में बोले बोले तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, चिंता मत करो, और कोई चाहे कुछ चाहिए, देखो संतों का हृदय कैसे कहते ना, संत हृदय नवनीत समान, संतों का हृदय देखो, बोले प्रभु जी अगर कुछ देना चाहते हो, ये ब्रह्मांड में जितने जीव है ना, ये संसार में जो दुख कष्ट भोग कर रहे हैं, इनके सारे दुख मेरे को दे दो, मैं अनंत काल के लिए नरक में नरक भोग करूं, लेकिन ये सारे जीवों को
अपना चरण की भक्ति प्रदान करो, इनको उद्धार कर दो। बोले प्रहलाद, अगर तेरे ऐसी इच्छा है ना, इनके पाप तेरे को लेने का जरूरत नहीं, नरक जाने का जरूरत नहीं, मेरे अनंत करोड़ों ब्रह्मांड है, अगर तेरी ऐसी इच्छा है ना, एक ब्रह्मांड को मैंने अपना चरण में भक्ति दे दूंगा, सबको मैं उद्धार कर दूंगा। फिर श्री प्रहलाद महाराज ने श्री नरसिंह भगवान को उन्होंने आरती उतारी। देखो अगर कोई विपत्ति में, जैसे प्रहलाद गोपाल में कितने विपत्ति आई, लेकिन नरसिंह भगवान सारे विपत्ति से उद्धार किया, उसी तरह अगर आप लोगों का जीवन में भी भक्ति में अगर कोई विपत्ति आए ना, उस समय किसको स्मरण करो, नरसिंह भगवान को स्मरण करो। नरसिंह भगवान तुम्हें सारे दुख कष्ट से उद्धार करेगा। देखो आपके सच घटना सुनाता हूँ, ये रशिया की घटना है। पहले जो रशिया में वो कम्युनिस्ट कंट्री था, पहले वहां पर किसी को भक्ति करने का, भजन करने का कोई अलाव नहीं था, लेकिन जब हमारे स्वामी महाराज ने भक्ति प्रचार की, उधर भी उन्होंने भक्ति धर्म का प्रचार की, छुप छुप करके, बड़ी कष्ट से उन्होंने छुप छुप करके, उधर भी रशिया में कम्युनिस्ट कंट्री होने पर भी उधर भी उन्होंने ये हरे कृष्ण महामंत्र की उन्होंने प्रचार की। जब प्रचार की, अभी कुछ लोग भगवान का भजन करना शुरू किया, क्योंकि हम लोग क्या भावना है, ज्यादा पैसा मिलने पर सुखी हो जाएगी, अच्छी छोरी से शादी करने पर सुखी हो जाएगी। बोले भैया, जब तक भगवान की भक्ति नहीं करोगे ना, ये पृथ्वी का ऐसे कोई वस्तु नहीं तुम्हें संसार में सुख दे सकता है। जो अनित्य नश्वर वस्तु कभी तुम्हें शाश्वत वस्तु नहीं दे सकता, सुख तो केवल प्रभु की भजन ही दे सकता है। इसलिए उनके देश में खाने पीने रहने पीने की कोई कमी नहीं, लेकिन शांति सुख तो केवल भगवान की भजन है। जैसे शरीर का भोजन क्या है, दाल चावल रोटी, ये आत्मा की भोजन क्या है, भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति के बगैर ये जीवन शून्य जीवन है। इसलिए अभी उन्होंने उधर भी प्रचार जब किए, जो छुप छुप करके प्रचार कर रहे थे, लेकिन कुछ भक्त लोग पकड़े गए तो उनको जेल में बंद कर दिया। जब जेल में बंद कर दिया, इतने में एक काम करो, अब थोड़े थोड़े आगे आ जाओगे, जो पीछे लोग बैठ जाए थोड़ा आगे सर करके आ जाओ, सब बर्फ जी जम गए, जम गए सब, कोई सरक नहीं है, एकदम पास पास में बैठो, एकदम आगे पीछे जो माता है थोड़ी सरक करके आ जाओ, और थोड़ी सी सबके सब सबको सरकना पड़ेगा, तभी तो काम बनेगा ना, एक दो नहीं, एकदम एकदम चिपक करके बैठ जाओ, सटक करके बैठ जाओ सबके सब, और आगे आ जाओ, और आगे आ जाओ। हरे कृष्णा, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। प्रभु जी अब इधर आ जाओ, अब इधर आ जाओ, अब इधर दोनों बच्चे इधर आ जाओ, ये इधर आ जाओ, ये पुरुषों के बीच में आ जाओ। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जल्दी जल्दी आओ, भगवत भगवान श्री नरसिंह देव की, भक्त श्रेष्ठ श्रील प्रहलाद महाराज की, दिखाई गौर ब्रह्मानंदे, दिखाई गौर ब्रह्मानंदे, सामने आ जाओ, कोई जगह हो तो बैठ जाने, तो सामने आ जाओ, ए बच्चा तुम सामने आ जाओ। हरे कृष्णा, सब बैठ गए, और तुम भी आ जाओ, तुम पीछे क्यों बैठ गए, हरे कृष्णा। इसलिए अभी क्या हुआ, और उनको सब जेल में बंद कर दिया, भक्तों को जो जेल में बंद कर दी। लेकिन देखो ध्यान से सुनो, ये रशिया की कथा है। हम लोग बड़े भाग्यवान है जो कि भारत में हम लोगों ने जन्म लिया है, और हिंदू घर में जन्म लिया है, जिस वंश में भगवान कृष्ण राम नरसिंह भगवान का सारे अवतार हमारी घर में ठाकुर जी हुए, हिंदू घर में हम बड़े भाग्यवान, लेकिन तब भी प्रभु का नाम जप नहीं करते। देखो जब उनकी जेल में बंद कर दिया ना, जानते हो कैसे नाम जप करते थे, उनकी माला खाला सब छीन लिया है, छीन लिया, उन लोगों ने ब्रेड में, उनको ब्रेड खिलाते ही, उनको ब्रेड में ना एक एक ब्रेड में एक एक माला बनाया, 108 उसमें मोती होते हैं,
वो लोग जेल में बैठ करके ब्रेड में गिल गिल करके हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे ब्रेड में गिल गिल करके जेल में बैठ करके हरि नाम कर रहे थे। इतने में वहां की जो सिपाही वो तो विरुद्ध करते रहे थे ना, उनके देश में तो कम्युनिस्ट कंट्री, यहाँ तो भक्ति भक्ति भजन में अलाव नहीं। इतने में उनको मार रहे थे जो पुलिस में, हाँ जो जयपुर को मार रहे थे, मारते मारते आ रहे थे मार, और जिनको मार रहे थे ना भक्त नहीं दूसरों को मार रहे थे, वो चीख रहे थे और नहीं मर मारो मत मारो मत। करते 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 हो गया शाम, कल से जो शुरू होगी जो इस्कॉन के जो भक्त हरिनाम करते थे कल इनके नंबर आए और मारते मारते वहीं पर खत्म हो गया चले गए। और ये भक्त लोग क्या कर रहे हैं, बैठ बैठ करके जेल में हाँ ब्रेड में माला बना करके हरिनाम कर रहे थे, हाँ हरिनाम कर रहे थे, भजन कर रहे थे। और नरसिंह देव जानते हैं हिरण्यकश्यप को भगवान वध करके प्रह्लाद को उन्होंने रक्षा किया, नरसिंह देव हर विपत्तियों से ये नरसिंह देव हमें रक्षा करते हैं, इसलिए उन्होंने नरसिंह देव को स्मरण करे थे। नरसिंह देव आप प्रह्लाद के लिए खंभे से स्वयं प्रकट हुए हो, अभी तुम्हारी भक्तों को विभत पड़ी है, हाँ तुम्हारी नाम हम ग्रहण कर रहे हैं। क्या हुआ उसी रात में जो व्यक्ति मार रहा था ना उसी घर में नरसिंह देव प्रकट हो गए साक्षात, कलयुग की कथा है। अब ये तो सत्य युग में भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए, कलयुग में उसकी घर में नरसिंह भगवान स्वयं प्रकट हो गए। अब प्रकट होकर के और जो मार रहा था उसको छाती पर रात में बैठ के बोले कल से मेरे भक्तों का नंबर आ रहे हैं, अगर तू मेरे भक्तों को कुछ किया ना देख रहे हैं मेरे को सख्त नरसिंह आधा शेर और आधा नर रूप लेकर के भयंकर रूप लेकर के छाती पर बैठ गए, तो तेरे छाती को फाड़ दूंगा, खबरदार अगर कल से मेरे भक्तों को अगर हाथ उठाया तो। उसने इतने डर गया, इतने डर गया उसने सबरे भक्त भक्त आया और आकर के जो जेल में जो भक्त लोग थे ना जो भगवान के नाम जप कर रहे थे बोले भैया तेरे जो प्रभु है भैया कौन है, रात को मेरे घर में आ गए और आकर के मेरे छाती पर बैठ गए और नाखून से बोले तेरे छाती को फाड़ दूंगा, देखो मेरे छाती में दाग है, तुम बोल दो भैया और तुम लोगों को मैं मारूंगा नहीं, तुम तुम्हारे प्रभु को बोल दो तुमको मारूंगा नहीं, मेरे को माफ कर दे। ये कलयुग का दाह है। हाँ अगर हम लोग सच दिल से अगर हम भगवान को पुकारे ना ठाकुर जी को पुकारे आवाज ठाकुर जी, कई युग में भी ठाकुर जी उनको दंड देते हैं जो प्रभु का विरोध करते हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु का समय पर वो मुसलमान पीरियड था, महाप्रभु के भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे और वहां पर एक काजी था मुसलमान, उसने आकर के जो ढोलकी बजा रहे ना उसको तोड़ दिए, जब तोड़ दिए उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को शिकायत किया ऐसे ऐसे हम हरि कीर्तन कर रहे थे और ये मुसलमान ने आकर के हमारी मृदंग और मजरा को तोड़ दिए। भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए तो मुसलमान घर में प्रकट होकर के नरसिंह देव रूप में खबरदार अगर मेरे भक्तों का मृदंग तोड़ोगे कीर्तन में बाधा दोगे ना देख रहे हो तेरे छाती फाड़ दूंगा, हृदय पर बैठ करके उसको छाती पर हाथ लगाए। उसने सवेरे आकर के महाप्रभु को बोले बोले प्रभु आप भक्तों का मैंने मृदंग तोड़ दिया, रात में कोई एक भयंकर जानवर आया बोले अगर मेरे भक्तों का मृदंग तोड़ दो तो छाती को तोड़ दूंगा पेट फाड़ दूंगा, मेरे अपराध को माफ कर दो। और वो मुसलमान ने कहा आज से मैं आपका भक्त बन गया और मेरे परिवार में जो आएंगे सबको मैं आपका भक्त बनाऊंगा, अगर मेरे बहन से मैं कोई भक्ति का विरोध करेगा तो हम उसको त्याग दे दूंगा। अभी भी उसी वंश में जो लोग आते हैं ये 5 साल पहले अभी भी उसमें भक्त बनते हैं, भक्त कंठी तिलक लगाते मुसलमान होकर है। इसलिए अगर किसी विपत्ति में भगवान को स्मरण करोगे ना भगवान आवाज देते हैं और भक्तों को ठाकुर जी रक्षा करते हैं। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की, बोले श्री नरसिंह भगवान की जय। देखो अभी हम एक स्तुति करते हैं, जैसे आप घर से निकलते हो अगर ये स्तुति को करते हुए निकलोगे ना रास्ता में कोई बाधा भी पति नहीं आएगी,
अगर तुम्हारी भक्ति कर रहे हो घर में कोई बाधा विपत्ति, अगर ये स्तुति को आप घर में करोगे ना, तुम्हारी सारी बाधा विपत्ति नरसिंह भगवान खत्म कर देते हैं। वो स्थिति को हम पढ़ रहे हैं, हमारा पीछे पीछे दोहराना और सबके साथ भगवान की भक्ति करना। देखो प्रहलाद महाराज ऊपर जो विपत्ति आई, पिता माता ने कितने कोशिश की उसके पिताजी ने, लेकिन उन्होंने भजन